इसमें और इसमें सर जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये समझ लो एक छोटा सा बच्चा मॉडल है तो हमने सबका बाप मॉडल निकाल दिया। अगर यहाँ प्रिंटिंग मिलेगी दैट मींस दिस प्रोडक्ट इज 100% ओरिजिनल। हमेशा आपको डिजिटल रीडिंग मिलती है ओनली फॉर टेम्परेचर, ओके, एयर की रीडिंग कभी नहीं मिलती। हमारा प्रोडक्ट इंडिया में पहला पूरा 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जिसकी आपको डिजिटल रीडिंग एयर की भी मिलेगी। कोई आवाज है, ये बीप की आवाज जो आई ना, बीप की आवाज मतलब हैंडल 300 डिग्रीज का गर्म हो चुका है, ओके। ये टेम्परेचर इसका 300 डिग्री का 100% एक्यूरेट आता रहेगा, ओके। ना 299 होगा और ना 301 डिग्री होगा, 100% 300 आता रहेगा। समीर सर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हीटर की अभी आपके सामने वायर कट की थी, ओके। वायर कट करने से ही हमने एलिमेंट की जो थे यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया, ईएलई एलिमेंट एरर, ओके। तो अगर इसमें सेंसर में प्रॉब्लम है तो SENS लिखे एरर, मतलब पूरी ऑटोमेटिक है। आपको क्या प्राइस लगता है इसका होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से 4000 के अराउंड इसका प्राइस रहना चाहिए। यही तो बात है, हमेशा हम अपने कस्टमर को खुश करते हैं और इस बार दोबारा करेंगे। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपको मार्केट की जानकारियां देता रहता हूं, तो जानकारी के साथ साथ आज मैं आपका बेनिफिट भी कराने वाला हूं और जानकारी ऐसे देने वाला हूं कि किसी ने अभी तक देखी भी नहीं होगी। आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले क्या रहने वाला है, मैं आज आपको लेकर आया हूं दिल्ली के अंदर मायापुरी, और मायापुरी में लेकर आया हूं मैं आपको मैक्स पम्मा फैक्ट्री। यहां पर बनते हैं मोबाइल से रिलेटेड टूल्स बनते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टूल्स बनते हैं वो तो मैं आपको डिटेलिंग बता दूंगा, मगर आज जो मेरी वीडियो रहने वाली है, आज मेरी वीडियो रहने वाली है SMD के ऊपर, किस तरह से इंडिया के अंदर SMD बनती है। ऐसे तो नहीं कि बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ पे मेड इन इंडिया का लेबल लगाया और मार्केट में उतार दी, ऐसे बिल्कुल नहीं रहने वाला। पूरी डायरेक्ट फैक्ट्री दिखाने वाला हूँ। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर कई सारे मॉडल लॉन्च हुए हैं, मगर कई सारे मॉडल के अंदर कुछ मॉडल आज इस वीडियो के अंदर कवर होंगे। हर एक SMD के साथ आपको श्योरली गिफ्ट मिलने वाला है, श्योरली गिफ्ट मिलने वाला है, वो सही सुना आपने, उसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कोरियर की बात करते हैं, इंडिया में आप कहीं से भी हैं तो आपको कोरियर अगर फ्री चाहिए तो कोरियर फ्री भी इस वीडियो के अंदर रहने वाला है। इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें रहने वाली है, चलिए इतनी डिटेलिंग में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ऑनर से मिलते हैं, वो हमें पूरी डिटेलिंग बताएंगे, यहाँ का टूर कराएंगे हमें फैक्ट्री का, वो किस तरीके से SMD बनती है और उनकी SMD में क्या क्या खूबी होती है वो पूरी डिटेलिंग में हमें बताने वाले हैं। और SMD का मॉडल नंबर वाली बात है तो वो भी हम सर से जानेंगे। क्या हाल है समीर भैया? बहुत बढ़िया भैया जी, आप बताइए कैसे? काफी टाइम बाद आए वीडियो में और उम्मीद है कुछ नई नई प्रोडक्शन, बिल्कुल कुछ नया प्रोडक्ट लेते लाते रहेंगे, बिल्कुल सर, और बैक टू बैक सारी वीडियो हमारी आती रहेंगी। थैंक यू सर। तो इस वीडियो में मेरे दोस्तों हम लेकर आए हैं नया मॉडल मैक्स पम्मा का 853D+ फुली ऑटोमेटिक डिजिटल SMD रिवर्क स्टेशन, ओके। अब आप ये बोलोगे कि हमारी पहले ये भी आती थी मैक्स पम्मा 850AD, बिल्कुल सर। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल सर, इसमें और इसमें सर जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये समझ लो एक छोटा सा बच्चा मॉडल है तो हमने सबका बाप मॉडल निकाल दिया, ओके, ठीक है। इसमें क्या है, मैं आपको डिटेलिंग में जाऊंगा वीडियो में कि क्या क्या इसमें हमने नई नई इनोवेशंस की हैं जी, क्योंकि कोविड के बाद हम इतने टाइम बाद कुछ लेके आ रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारे कस्टमर्स चाहते हैं, व्यूअर्स चाहते हैं कुछ क्या लाया मैक्स पम्मा जी सर, कि मार्केट से हटके प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है। तो इसमें आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, हम जूम करेंगे इस पे कि इसमें क्या क्या डिटेलिंग करेंगे कि क्या है क्या, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा नजदीक कर लेता हूँ, ये आपको मैं थोड़ा डिटेलिंग बताऊंगा कि SMD का मेन फंक्शन क्या है और कैसे हम इसको यूज करेंगे, क्या डिफरेंसेस है पहली वाली मैक्स पम्मा AD में और इस वाली 853D+ में। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमने जो इसमें जो पाइप यूज की है SMD की, ये नॉर्मल रबर पाइप नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉपर 100% सिलिकॉन पाइप है, ओके। तो यूजली क्या होता है, सर्दियों गर्मियों में पाइप श्रिंक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है, वो सिलिकॉन पाइप में आपकी बिल्कुल नहीं आएगी, ओके। हमने यहाँ स्प्रिंग्स दे दिए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में या फिर कार्गो में माल जाना है कुछ जाना है, तो पहली बात तो सर ये हैंडल की पाइप आप जितना मर्जी मोड़ लो कुछ कर लो, ये प्रॉपर प्योर सिलिकॉन है, इसको आप 10 साल भी मोड़ के रखोगे खोलोगे ये वापस वहीं की वहीं हो जाएगी, ओके। रबर पाइप नहीं है, ठीक है, ठीक है। पूरे मैक्स पम्मा के हैंडल में आप कभी भी मार्केट में हमारा कोई एसेसरी खरीदते हैं, अलग से हैंडल आपको खरीदना होता है, तो मेक श्योर करिए कि मैक्स पम्मा का यहाँ पे पूरी प्रिंटिंग आपको मिले, ओके। अगर यहाँ प्रिंटिंग मिलेगी दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज 100% ओरिजिनल, क्योंकि हमारे मार्केट में काउंटरफिट प्रोडक्ट्स भी आना बहुत स्टार्ट हो चुके हैं, डुप्लीकेट भी बहुत, पायरेसी बहुत हो रही है इसका। सेकेंड सर मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी एट प्रेजेंट SMD जो है पूरी स्लीप मोड पे है, ओके, ठीक है। कभी भी आपने SMD यूज़ करनी है, मैं अपने कस्टमर्स को बताना चाहता हूँ, जो नीचे का जो स्क्रू है इसको आप पूरा लूज करके या स्क्रू को निकाल के तभी SMD आप यूज़ करो, नहीं तो आपको इसमें वॉइस या वाइब्रेशन बहुत आएगी SMD का, ओके। ये हम इसलिए देते हैं कि ट्रांसपोर्ट में अंदर की जो पंप या मोटर हम यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज ना करे PCB सर्किट को। अभी एट प्रेजेंट SMD पूरे स्लीप मोड पे है। यूजली जो कस्टमर्स रिपेयरिंग करते हैं IC लेवल पे PCB, उनकी होती है 15 टू जी। पहली बात तो सर इसमें जीरो से लेके
120 एयर नॉट्स, ये पूरी एयर की आपको रीडिंग यहाँ मिलेगी। Okay. अभी तक कोई भी ना चाइना में या किसी भी कंट्री में कोई कहीं पर भी हमेशा आपको डिजिटल रीडिंग मिलती है ओनली फॉर टेम्परेचर। ओके, एयर की रीडिंग कभी नहीं मिलती। हमारा प्रोडक्ट इंडिया में पहला पूरा 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जिसकी आपको डिजिटल रीडिंग एयर की भी मिलेगी 0 से 120 नॉट्स तक की। तो पहले हम स्लीप मोड पे SMD पे हम इसको करते हैं 25, 20 या 15 पे एयर पे हमने वो सेट कर लिया जी। इतनी ही जब मैं SMD का हैंडल ऑटो कट से लिफ्ट करूंगा तो इतने ही एयर का प्रेशर आना स्टार्ट होगा। टेम्परेचर हम कर देते हैं समीर सर अराउंड 300 हम टेंटेटिव कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमने सेट कर दिया। जैसे ही मैं अभी स्लीप मोड पे है, मैं जैसे ही हैंडल रेज करूंगा इसका ऑटो कट से, वापस 15 और 300 से टेम्परेचर और मशीन की वर्किंग स्टार्ट होगी। ये आप देख रहे हो यहाँ पे छोटी सी वो आ रही है, ब्लिंकिंग वो आ रही है LED की जी सर। दैट मीन्स कि अभी ये हैंडल जो है अभी गर्म हो रहा है। ओके, हाँ अभी भी आ रही है। अभी आप देखो एक आवाज है, ये बीप की आवाज जो आई ना, बीप की आवाज मतलब हैंडल 300 डिग्रीज का गर्म हो चुका है। ओके, ये टेम्परेचर इसका 300 डिग्री का 100% एक्यूरेट आता रहेगा। ओके, ना 299 होगा और ना 301 डिग्री होगा, 100% 300 आता रहेगा और एयर की स्पीड भी इतनी आती रहेगी। ठीक है, अगर आपने इसको रेज करना है एयर को तो रेज हो जाएगी, टेम्परेचर रेज करना है टोटल टेम्परेचर 480 डिग्री तक है। ओके, आप देखो टेम्परेचर राइज हो रहा है 480 और ये हमने किया हुआ 60 किया हुआ, इसको हम पूरा 120 कर देते हैं। यूजली इतनी में कोई करता नहीं रिपेयरिंग, कोई भी IC लेवल बेस्ड सर्किट हो नहीं होता, तो इतने में ही होता है 300 में और अराउंड 15 to 120 तक होता है। बिल्कुल सर। अब जैसी मैंने मशीन को इस पे रखूंगा ऑटो कट पे, आपने एक चीज नोट करी होगी समीर सर, टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हो चुका है जी सर। ठीक है, और एयर ऑटोमेटिक फुल हो गई। मैं दोबारा आपको रिपीट करूंगा ये फंक्शन, एयर अभी हम 15 कर रहे हैं और टेम्परेचर हमने यूज किया हुआ है 250 पकड़ लो या 251 पकड़ लो। Okay. आपने एक चीज नोट करी होगी समीर सर, जैसे ही मैं हैंडल को उस पे रखूंगा, स्टैंड पे रखूंगा, Okay. तो टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा 251 डिग्री से और एयर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, पूरी हो जाएगी 120 एयर नॉट्स तक। उसका रीजन ये है कि हम एयर पूरी फुल करते हैं कि अंदर का जो एलिमेंट और हैंडल है वो डैमेज ना हो। Okay. तो क्या होता है, आपकी जो एलिमेंट की लाइफ होती है फॉर एग्जाम्पल 2 महीने 3 महीने 6 महीने होती है, अगर इससे हम फुल करते हैं इसको पूरा तो आपकी लाइफ डबल हो जाती है एलिमेंट की, क्योंकि अंदर की जो अनयूज्ड हीट है हम वो कहते हैं कि पास ऑन हो जाए, पूरी एलिमेंट हैंडल से बाहर निकल जाए। जब कस्टमर ने दोबारा स्टार्ट करनी होगी तो वहीं से वापस स्टार्ट होगी। अभी देखो मैं इसको रखूंगा, एयर फुल होगी। ओके, और टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हो गया, मतलब ये डाउन भी मतलब फास्ट हो जाती है और हीटिंग भी फास्ट हो जाती है, दोनों काम करती है। राइट। तभी हमने इसको बोला फुली ऑटोमेटिक डिजिटल SMD रिवर्क स्टेशन सर। ओके, ये इस टाइम जो जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूट है जहाँ पे SMD यूज हो रही है और जो कस्टमर्स नए नए स्टूडेंट्स को रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, हमने उस लेवल की SMD निकाली है और जो 100% IC लेवल बेस्ड सर्किट्स को 100% रिपेयर करेगी। सर अगर आप SMD कोई परचेज करते हैं तो वारंटी क्या रहेगी? सर वारंटी की बात तो मैं क्या बोलूँ, आप ये SMD खराब करके दिखाओ। ओके, आप इसका हैंडल या एलिमेंट या कुछ भी है या अंदर की मोटर है वो खराब करके दिखाओ। ओके, रही बात मोटर की, तो हमने इसमें 100% वैक्यूम बेस्ड मोटर यूज की है। ओके, ये तो कभी खराब ही नहीं होगी सर, ये तो खराब होती नहीं है क्योंकि इसमें वायरिंग सब कुछ इनबिल्ट कंप्लीट मोटर आएगी जो हमने फिट की है और वायरिंग की है। बिल्कुल सर, आप समझ रहे हो कि पंप खराब होना नहीं है। SMD में सर दो ही चीजें होती है, एक हैंडल और एक पंप। मोटर हमने लगा दी वैक्यूम बेस्ड पूरी वो लगा दी मोटर, और हैंडल मैं कह रहा हूँ आपको खराब करके दिखाओ। एक चीज और है समीर सर, आपने नोट करी होगी जैसे ही हमने मशीन को ऑटो कट पे रखा, ये SLP लिखा रहा है, दैट मींस स्लीप मोड। ओके, SMD 100% अभी स्लीप मोड पे जाने वाली है। ठीक है, और ये टाइमर लगा हुआ है 16 सेकंड 15 सेकंड, ये जब 0 सेकंड होगी तो पूरी मशीन स्लीप मोड पे चली जाएगी। अभी आप देखना चेक करना, ये स्लीप मोड पे होगी, ये लास्ट जो हमने टेम्परेचर और एयर सेट किया था वो रीडिंग शो होगी। अगर आपको दोबारा रिपेयरिंग स्टार्ट करनी है और स्लीप मोड पे ही अगर आपको टेम्परेचर सेट करना है और जब भी आप 281 या 39 आपने एयर नॉट सेट की है, आप हैंडल को उठाओगे तो 39 और 281 से टेम्परेचर स्टार्ट होगा। समीर सर एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि इसमें इस मॉडल में जैसे हमने बोला फुली ऑटोमेटिक डिजिटल है, इसमें अगर SMD में कोई भी प्रॉब्लम आती है जैसे कि एलिमेंट में प्रॉब्लम है या फिर पंप में आती है, जो मोटर हमारी मोटर में आती है एलिमेंट में आती है, तो यहाँ पे मशीन में लिखा आ जाएगा कि ERR और यहाँ पे एलिमेंट में है या किस में दिक्कत है वो भी आ जाएगी। जैसे मैं आपको छोटा सा दिखाता हूँ, हमने मशीन ऑफ की, ये एलिमेंट की जो हमने खोला है एलिमेंट की वायर है, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं इधर ही। समीर सर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हीटर की अभी आपके सामने वायर कट की थी। ओके, वायर कट करने से ही हमने एलिमेंट की जो थे यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया, ELE एलिमेंट एरर।
ओके तो अगर इसमें सेंसर में प्रॉब्लम है या फिर सेंसर गए तो SENS लिखे एरर, मतलब पूरी ऑटोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं समझ, आपको नहीं पता लगाना कि मशीन में क्या प्रॉब्लम आई, किस एंड पे आई है, ये ऑटोमेटिक मशीन आपको खुद बताएगी कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। समीर सर, हमने एक और छोटा सा डेमो दिखाया है कि प्रॉपर एक्यूरेट हमारा टेम्परेचर डिजिटल जो ये मल्टीमीटरों से रीडिंग मैच करती कि नहीं करती, आप चेक कर सकते हो। एयर हमने, एयर को आप छोड़ो, आप टेम्परेचर देखो, 480 हमने डिग्री हमने सेट किया हुआ है ओके, और तकरीबन उसके आसपास मीटर में भी शो हो रहा है ओके। मतलब अगर कस्टमर को एक्चुअली 300 डिग्रीज पे अगर रिपेयरिंग करनी है तो वो 280 या 285 पे कर सकता है, क्योंकि हमने इस चीज की जो वॉटेज है, पहली बात तो सर ये मशीन 600 वॉट की है, 600 वॉट की, और इसकी वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन रखी है हमने 220 वॉल्ट से लेके 250 वॉल्ट तक की हमने इसकी स्टैंडर्डाइजेशन रखी है जिसपे प्रॉपर मशीन काम करती है ओके। तो इसमें आप देख सकते हो 480 से लेके यहाँ पे आप डिजिटल मीटर में चेक कर सकते हो उतनी ही तकरीबन आ रही है, और कम ज़्यादा ही आ रही, कम नहीं आ रही। बिल्कुल सर, तो भाई देख सकते हैं क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा जुगाड़बाजी से लगाना पड़ता है, ये जितना अगर पास होगा तो उसकी बढ़ जाएगी, नहीं तो वो जितनी वो दे रही है उसके आसपास की वो टेम्परेचर देती है। सर इसका प्राइस क्या रहेगा SMD का, आप बताइए समीर सर, जैसे मैंने आपको इसके फीचर्स बताए हैं और मॉडल आपके सामने निकाला है, आपको क्या प्राइस लगता है इसका होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से 4000 के अराउंड इसका प्राइस रहना चाहिए। यही तो बात है, हमेशा हम अपने कस्टमर को खुश करते हैं और इस बार दोबारा करेंगे। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2999 रहेगा। 2999 में इतनी बढ़िया SMD दे रहे सर? बिल्कुल, और इसमें मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप SMD खराब करके दिखाओ। इसमें मोटर खराब नहीं हो सकती और एलिमेंट भी खराब नहीं हो सकता। मोटर की बात रहे तो हम, आप कहोगे मोटर क्या है, हम इसमें मोटर ये यूज कर रहे हैं, ये वैक्यूम बेस्ड मोटर है, पंप नहीं यूज कर रहे हैं इसमें, तो ये मोटर खराब होती ही नहीं है सर। बिल्कुल सर, 100% कॉपर की बनी हुई मोटर है, ये खराब ही नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, हम अपने रिटेलर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए हमने जो स्कीम निकाली है उसमें ये निकाला है कि 2999 में आपको एक हैंडल SMD का इसका फ्री मिलेगा ओके। ये गिफ्ट रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैंडल मिलेगा, और साथ में जो पैन इंडिया की कोरियर सर्वो रहेगी सर्विस वो फ्री रहेगी ओके। मतलब आप 2999 के अंदर आप ये हैंडल की किट दे रहे हैं साथ में, और किट के साथ साथ आप पूरे इंडिया के अंदर कोरियर फ्री भी दे रहे हैं? बिल्कुल पॉसिबल है सर, 100% सर, वीडियो में बोल रहे हैं तो क्यों पीछे डिनाई करेंगे। और तभी आपने बोला ना इससे वारंटी की रहेगी, सर मैं आपको हैंडल फ्री दे रहा हूँ और आपको चैलेंज कर रहा हूँ SMD खराब करके दिखाओ, इससे बड़ी वारंटी की बात क्यों? बहुत अच्छी बात है। तो भाई देखो, जो हमारे भाई रिटेलर है, ये वीडियो तो खासकर उनके लिए, ये आप उनकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। जो हमारे भाई होलसेलर हैं, वो सर का जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उस नंबर पे आप सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जी सर, पहले और अब में समीर सर हमने इतने कुछ क्या काफी कुछ अचीव किया है, तो इसमें आपको बता दूं हमारी कंपनी है ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, और हमने सारे गवर्नमेंट कंप्लायंसेस लिए हैं इसमें ओके। क्योंकि सर हमारा माल एक्सपोर्ट होता है, हम सऊदी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें सारे कंप्लायंसेस लेने कंपलसरी थे। तो आप समझ सकते हो कि जब गवर्नमेंट की टीम विजिट करती है और आपकी फैक्ट्री को देखती है कि प्रॉपर स्टैंडर्ड हम सारे फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं जो एक प्रॉपर SMD रिवर्कस्टेशन बनाने वाली फैक्ट्री को करने चाहिए। बिल्कुल सर, तो सर ये तो थी हमारी SMD वाली बात, आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा जो मॉडल हैं वो दिखाने वाले हैं। डेफिनेटली हमने 3-4 और मॉडल नए लॉन्च किए हैं, और हमारी अपकमिंग वीडियोज में 8 वॉट सोल्डरिंग आयरन से लेके 150 वॉट सोल्डरिंग आयरन तक आपको कंप्लीट रेंज मिलने वाली है। 8 वॉट, 25 वॉट, 30 वॉट, 60 वॉट, 80 वॉट, 100, 125, 150, ये कंप्लीट रेंज हमने सोल्डरिंग आयरन के भी लॉन्च की है। तकरीबन 1 साल हुआ सर, और 1 साल में हम बड़ी बड़ी कंपनीज को OEM भी करके दे रहे हैं ओके। तो सर आप हमें दिखा सकते हैं कि ये टूर करा सकते हैं फैक्ट्री का, ये कहाँ पर बनती है, किस तरह से? सर ये हमारी फैक्ट्री नहीं, हमारे व्यूअर्स की फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, और आपकी बदौलत ही फैक्ट्री है आज कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो बिल्कुल आपको 100% एक ही चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कितनी एयर और कितना टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ ये हैंडल उठाने के बाद। ये देखिए, मैंने जैसे ही हैंडल उठाया वहाँ पे मैंने 20 के ऊपर इसकी एयर सेट कर रखी है, और यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो इसके अंदर 350।
इस तरह से लगाने के बाद भाई मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस आईसी को इस तरह से हल्का हल्का सा राउंड राउंड करना है, ये रहा इस तरह से, और हल्की सी इसको पकड़ लेना है और इसको ये देखो भाई इतने प्यार से इसने आईसी को उतार दिया, ये आप ही के सामने ये रहा, इतने प्यार से इसने आईसी को उतारा है, ये रहा आईसी इस तरह से निकलेगी जैसे कि जबरदस्त तरीके से एकदम। ये देखो भाई, देखो कुछ नहीं करा मैंने, इतने इजी तरीके से आईसी निकाली है दोनों भाई। कनेक्टर देखो, कनेक्टर ईमानदारी से भाई देखो, सही बताऊं कनेक्टर उतरा है एकदम ऐसे, किसी ने सोची नहीं होगी कनेक्टर ऐसा भी उतर सकता है भाई। एक बारी कनेक्टर देखो, बिल्कुल भी ये कनेक्टर कहीं से भी नहीं जला है, बिल्कुल भी ये कहीं से भी ये कनेक्टर नहीं जला है, ये रहा आपके सामने। तो भाई अभी तक आपने देखा, मैंने यहाँ पर आपको फैक्ट्री भी दिखा दी है, वारंटी भी दिखा दी है, गारंटी भी दिखा दी है, गिफ्ट क्या मिलने वाला है वो दिखा दिया, अगर कोरियर की बात करें तो वो भी आपको फ्री मिलने वाला है भाई। इस वीडियो के माध्यम से आपका बेनिफिट होने वाला है, रिटेलर का भी बेनिफिट होने वाला है, जो होलसेलर है उनका भी बेनिफिट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई है ये वाली तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिए। आने वाले टाइम में इसी तरह की काफी सारी वीडियो आपके लिए मैंने शूट करके रखी हुई है, वन बाय वन करके मैं अपलोड जल्द से जल्द करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।